उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। इस कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें समान नागरिक संहिता और महालक्ष्मी योजना पर भी बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत बालिका के जन्म पर जो किट दी जाती है वह अब बच्चों के होने पर दी जाएगी। वहीं सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के भर्ती नियमावली को लेकर भी बात की गई है। इसके साथ ही परिवहन निगम में 195 मृतक आश्रितों के पदों पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है। भवन निर्माण को लेकर नलों के किनारे निर्माण को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है और यूसीसी को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, सीएम धामी ने दिए गए निर्णय में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कर्मचारियों की बीमा या बचत योजना में संशोधन किया गया है। वहीं पशुपालन विभाग के तहत 9 पदों को मंजूरी दी गई है। बद्री केदार समिति के तहत होने वाली भर्ती के लिए 2 नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गृह विभाग के तहत विभिन्न पदों पर 327 पदों को मंजूरी मिली है। पदोन्नति में शिथिलीकरण को मंजूरी मिली है और 30 जून तक शिथिलीकरण का जो प्रक्रिया है उसका लाभ दिया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज की कैबिनेट में पहला मत परिवहन विभाग का था। परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के लिए 195 पद जो पहले फ्रीज हुए थे उनको अनफ्रीज किया गया है। अगला मत आवास विभाग का था। अगर आपने फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप या डीजल पंप के लिए बनाना है तो उसकी दूरी 50 मीटर होनी चाहिए, और इसमें देखा गया कि कई हमारे नाले छोटे बड़े बहुत हैं और छोटे से छोटे नाले से भी 50 मीटर की दूरी रखनी पड़ रही है, जिसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो इसलिए नाले से दूरी 5 मीटर कर दी गई है 50 मीटर की जगह। अगला मत गृह विभाग का था। ये जो सामान्य नागरिक सहायता का कार्य चल रहा है वो मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से हुए, उसको माननीय कैबिनेट को सभी से अवगत कराया गया और उसका